महाराजगंज में सीएम योगी ने परियोजनाओं का किया लोकार्पण, 505 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, 2027 में ऐतिहासिक जीत का किया दावा। मिर्जापुर में बीजेपी प्रत्याशी सुष्मिता मौर्य ने दाखिल किया नामांकन, 4 सीटों में नामांकन दाखिल। कानपुर में रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा, मालगाड़ी के 2 डब्बे पटरी से उतरे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीतापुर बिस्वा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी छापेमारी, कई नर्सिंग होम और हॉस्पिटल पर की कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से संचालकों में मचा हड़कंप। कमलापुर, महमूदाबाद, मास्टरबाग में भी छापेमारी तेज की गई है। अस्पताल संचालक शूटर बंद कर हुए फरार, जहां अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसके बाद शटर बंद कर स्वास्थ्य विभाग ने जब कार्रवाई करी तो अस्पताल संचालक शटर बंद करके फरार हो गए। पर फिर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजय सिंह जुड़ चुके हैं। अजय, पूरी जानकारी चाहेंगे, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर रहा है। जी शिखा जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश पर जो है नोडल अधिकारी जो है अनूप श्रीवास्तव और SDM जो मजिस्ट्रेट है यहाँ पे अंजलि सिंह, इनके द्वारा समूचे सीतापुर जिले के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही, जो अवैध रूप से जो संचालित चाहे होम्योपैथी हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो या झोलाछाप डॉक्टर हो या फिर लैब हो, इन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही। सीतापुर को की बात की जाए तो सीतापुर से हरगांव और खैराबाद, बिस्वा, महमूदाबाद, ऐसे काफी क्षेत्र हैं जहां पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के बाद जो अवैध तरीके से जो संचालित क्लिनिक है या हॉस्पिटल है उनमें हड़कंप बचा हुआ, कुछ तो अपना शटर डाउन करके फरार हो गए हैं या कुछ लोगों ने अपने कार्य को बंद कर दिया है। फिलहाल अगर देखी जाए बात, यहाँ पे सीतापुर, कमलापुर में मास्टरबाग है, महमूदाबाद है, बिस्वा है, इन जगहों पे बड़ी कार्रवाई की गई है जो है नोडल अधिकारी के द्वारा। जी शिखा, SDMO स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई कर रहे हैं, अब तक इसकी चपेट में कितने लोग आए हैं, कितने फर्जी नर्सिंग होम आए हैं और क्या कुछ कार्रवाई करी जा रही है? शिखा जी, आपको बता दें जो कार्रवाई की जा रही है, नोडल अधिकारी में अनूप श्रीवास्तव है, SDM सदर है और साथ में पुलिस फोर्स भी है, जहाँ जहाँ भी जाते हैं पुलिस फोर्स जरूर जाती है, क्योंकि लगातार इस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई को इसलिए हो रही है क्योंकि जो झोला टॉप डॉक्टर है इनके द्वारा काफी मरीज जो है इनकी जान से हाथ धोना पड़ा हुआ है और जो यहाँ पे जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही झोला छाप डॉक्टरों पे है, जो क्लिनिक जो संचालित कर रहे हैं वो भी झोला छाप डॉक्टर है। इस तरीके से कई शिकायतें जिलाधिकारी को भी गई हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरपाल सिंह के पास भी गई। इसके बाद जो ये इस मामले को जो काफी खबरें चलती है उसका संज्ञान में लेते हुए जो है मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया था कि कोई भी झोला छाप डॉक्टर हो या जो जिनके पास कोई डिग्री नहीं है या फिर जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है या बगैर लाइसेंस के इस तरीके से हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं, डॉक्टरों की डिग्रियां तो वहाँ पे लगा दी जाती है लेकिन वो डॉक्टर नहीं बैठते, सिर्फ झोला छाप डॉक्टर ही देख रहे हैं। इस तरीके से मौतों का जो आंकलन है लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद इस तरीके के जो मामले में संज्ञान लिया जाता तो इस तरीके से कार्रवाई की गई है। लगभग अगर बात की जाए पूरे सीतापुर जिले के अंदर कि लगभग 40 से 50 हॉस्पिटल और बहुत सारे से झोला छाप जो डॉक्टर बैठे थे क्लिनिक चला रहे थे उनको भी सीज करने की कार्रवाई की गई और नोटिस भी जारी की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजय सिंह जुड़े हुए थे। तो कई जगह पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है, स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करी है, फर्जी अस्पतालों पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है सीतापुर में। जो हाँ, सीतापुर से इससे पहले भी कई ऐसे फर्जी अस्पताल के मामले सामने आए हैं लेकिन अब एक बार फिर छापेमारी की कार्रवाई करी जा रही है। जितने भी फर्जी अस्पताल या फिर नर्सिंग होम होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। सीतापुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दलित महिला के साथ दबंगों ने की मारपीट, मामूली कहासुनी के बाद घर में घुसकर किया हमला, जाति सूचक शब्द भी बोले और महिला की पिटाई करी। शिकायत के बाद भी रामकोट थाने में नहीं दर्ज हुआ मुकदमा, न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर महिला, मैनासी सरैया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। दलित महिला के साथ दबंगों ने मारपीट करी है, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है, गालियां दी गई हैं, महिला की पिटाई का ये मामला सामने आया जिसके बाद शिकायत करने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
मारा पीटा और गालियाँ गंदी गंदी दिया और कहना सूची जाति ने चमार चमार करके घर आया। संतोष ने मारा है और जगदीश ने कहना दिनेश ने मारा है, छोटे ने मारा है, कौशल ने मारा है। हाँ, और हमारे गांव करीब के बकरी के ठोरे थाने में सबकी शिकायत की है, सबकी रिपोर्ट की है, सबके नाम दिखाया था मगर रिपोर्ट नहीं लिखा था, नहीं लिखा था तो हम एप्लीकेशन से हमसे लिखा कर लिया तो एप्लीकेशन साहब को दिया तो कहते हैं नखरा दिखाती है, नखरा जाइए बंगाली से दवा ले लीजिए। और कुछ नहीं कर सकता है, फिर सब नंबर बुलाता है, बेर बेर कर लिखाता बल्लम लेके रखे रहें और फिर गंग मारते हैं, गंदी गंदी गाड़ियाँ देते हैं। तो सीतापुर में दलित महिला के साथ दबंगों ने मारपीट करी है, मामले कहा सुनी के बाद घर में घुसकर हमला किया, जाति सूचक गालियां देकर महिला की पिटाई करी है। शिकायत के बाद भी रामपुर थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ है, इसके बाद न्याय के लिए दर दर भटक रही है महिला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजय सिंह जुड़ चुके हैं। अजय, पूरा मामला जानना चाहेंगे। जी शिखा जी, ये बता दें कि एक दलित महिला है, ये जो है गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने इसको जो है मामूली कहा सुनी पर उसको इतना पीटा है लाठी डंडों से कि वो महिला घायल हो गई है। महिला घायल होने पे जो है उसने के गांव के लोगों ने शिकायत पीआरबी को करते 112 पीआरबी पहुंचती है और महिला का इलाज के लिए जो है उसको जिला अस्पताल लेके जाती है, लेकिन महिला के द्वारा जो है थाना रामकोट में एप्लीकेशन दी जाती है, लेकिन एप्लीकेशन देने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो दबंग प्रबंध के आदमी है वो लगातार उसको धमकी दे रही है, पीड़ित बार बार न्याय के लिए गुहार लगा रही है, जिले के आला अधिकारियों से लगाई है, लेकिन अभी तक उसकी कोई एप्लीकेशन ना तो ली गई है ना ही कोई मुकदमा उनको पे दर्ज किया गया है। ये बड़ी चिंता की बात है। आपको सिखा ये भी बात बता दें कि लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती है पुलिस, बराबर जो है इस तरीके से अभियान चला रही है, लेकिन दलित महिला के ऊपर इस तरीके से लाठी डंडों से मारना एक बड़ी बात कही जा रही है, जिले में चर्चा का विषय बना हुआ। जी जिस तरह से अजय ये मामला सामने आया है, किस बात को लेकर कहा सुनी हुई थी, कोई जानकारी मिल पा रही है? शिखा जी, आपको बता दें कि जो मामला हुआ है कि कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के जो सूत्र बताते हैं इस तरीके से कुछ बात थी, लेकिन अगर बात थी पैसे लेन देन थी तो उसपे जो जो दबंगों ने इस तरीके से महिला को पीटा है वो आप वीडियो में साफ तौर देख सकते हैं कि इस तरीके से पीटा है कि महिला काफी चोटिल हुई है, इसका इलाज भी किया गया है, लेकिन जो है अप्लीकेशन देने के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो पुलिस की कार्रवाई की शैली पर जो है सवाल उठने लगनी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजय सिंह जुड़े हुए थे। तो दलित महिला के पिटाई का मामला सामने आया जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई है अभी तक। शिकायत करने पहुंची महिला लेकिन अभी तक शिकायत नहीं करी गई, जिससे नाराज है ये महिला। महाराजगंज में 940 करोड़ की 505 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों और नागरिकों से भी विकास में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं आईटीआई, कहीं पर बेसिक शिक्षा के स्कूल, कहीं नवाबा से विद्यालय, कहीं मुख्यमंत्री का पॉलिटी स्कूल, कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कहीं पीएम श्री विद्यालय, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं पर उद्योग लगा करके लोगों के लिए विकास और रोजगार के अवसर खोलने के कार्यक्रम, ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इसमें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है, हमारे स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों की और आम नागरिकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, यह आज हम सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। जब यहां पे 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हम लोग आज यहां पर आए हैं तो यहां पे स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, इसमें एक फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी कोर्ट, पेवेलियन, क्रिकेट पिच, प्रैक्टिस पिच, सीसी रोड, पार्क
मैनपुरी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि करहल की जनता 2027 के चुनाव में भी तेज प्रताप यादव के पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम देगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी केवल हवा बनाने में लगी हुई है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी सफल नहीं हुई। यादव ने भाजपा की नाकामियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को ऐसी सरकार से क्या उम्मीद हो सकती है। वो रिश्तेदारवादी निकले और मैं आपसे कह रहा हूं, करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं, याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी, आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहे हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। मिर्जापुर में 397 मझुआ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुचिश्मिता मौर्य ने अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें उन्होंने 4 सीटों में नामांकन किया। इस मौके पर उनके साथ कई अधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त और पिछले नई रिकॉर्ड को आगे तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास का कार्य करती है और उसी कार्य के आधार पर हम सभी लोग इसके लिए आश्वस्त है और आगे बढ़ते हैं। विश्वास के आज हम सब नामांकन से नीचे काम से उस चुनाव में जा रहे हैं और भारी मतों से जीत करके विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व हम लोग पूरी। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस मालगाड़ी में भारी मात्रा में अनाज भरा हुआ था जो हादसे के बाद पटरी पर बिखर गया। हालांकि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रेलवे अधिकारियों में घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। रेलवे विभाग के अधिकारियों ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और पटरी से उतरने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हादसे की वजह से अनाज पटरी पर फैल गया है, जिससे कुछ देर के लिए स्थिति गंभीर हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मालगाड़ी की गति और पटरी की स्थिति की जांच की जा रही है ताकि घटना के सटीक कारणों का पता चल सके। ये लोडेड था, फूड ट्रेन से लोडेड था, गुरु हर साहेब फिरोजपुर डिवीजन से लोड हुआ था और दिल्ली के सीडब्ल्यूसी में जा रहा था। इसका 29वां 30वां वैगन इंजन से 8-8 मील से डिलेल हुआ है। ये डिलेमेंट करीब रिपोर्ट हुआ था 7 बजे और 11:05 से हम लोगों ने डिलेमेंट कर दिया। वजह हम लोगों ने जे ग्रेड इंक्वायरीज के लिए नियुक्त किए। प्राइम फेसाई इसमें व्हील डिफेक्ट लग रहा है, वो मेन जांच का विषय है। जैसे फरुखाबाद के सीपी इंटरनेशनल स्कूल में आज खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न हो गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में तैराकी मुख्य आकर्षण रही। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 3 की आराध्या यादव और बालक वर्ग से करण यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सहारनपुर में जनपद न्यायालय में साइबर क्राइम और मानव तस्करी पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश बबीता रानी ने की। इसमें प्रधान न्यायाधीश देवेंद्र सिंह, अपर जिला जज प्रकाश तिवारी, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलेकर, साइबर क्राइम इंस्पेक्टर पंकज त्रिपाठी सहित कई अधिकारी शामिल हुए। बता दें सेमिनार में बताया गया कि साइबर स्पेस के माध्यम से होने वाली तस्करी को साइबर अपराध के रूप में देखा जाता है और इसे रोकने के लिए जागरूकता और तकनीकी उपाय आवश्यक है। हम लोग यहाँ अपने कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्राम चलाते हैं, हर सैटरडे चलाते हैं और अपने स्टाफ के लिए और ऑफिसर्स के लिए। उसी परसुएंस में आज हमने ये साइबर ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम और साइबर स्लेवरी का एक नया जो हम लोगों को एक रोज रूटीन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जुडिशियल सिस्टम के दौरान, तो ये हम जो डे टू डे उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं साइबर क्राइम की हमारे सामने, तो उसको अपने आप को सेंसिटाइज करने के लिए आज सेमिनार आयोजित किया है, जिसमें हमारे स्पीकर्स ने
क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन है, इस पर हमारा आज यहाँ मार्गदर्शन सबका किया है। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये इसी तक सीमित था कि हम अपने और इसको ना केवल हम अपने ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करेंगे बल्कि हम कोशिश करेंगे कि इसको जनसाधारण के साथ भी अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल करें। अमरोहा से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। बता दें भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के निजी स्कूल की वैन पर तीन बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे बच्चों में चीख पुकार मच गई। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह गजरौला थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस के ड्राइवर ने सूचना दी कि स्कूल जाते समय दो तीन व्यक्तियों ने बस को रुकवाकर ड्राइवर को निशाना बनाते हुए उसकी खिड़की के नीचे की तरफ फायर किया। सूचना पर मौके पे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। ड्राइवर के द्वारा अवगत कराया गया कि आज से चार दिन पूर्व एक स्कूटी की बस से टक्कर लगने को लेकर संबंधित व्यक्ति से ड्राइवर का विवाद हुआ था। मेरे साथ में नंगले से गाड़ी लेकर आ रहा था सुबह 7:40 समथिंग, और जो है तीन मिनटों में रोक के गाड़ी पे हमला करा, तमंचे से फायरिंग करी और कड़े से पत्थरों से गाड़ी पे हमला करा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।